कोरोना संक्रमण पूरे देश में बेकाबू हो रहा है। इस बीच लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि वो खुद में आए कोरोना के हल्के लक्षणों पर ध्यान दें। लेकिन इसके बाद एक शब्द बार बार सुना जा रहा है और वो है ऑक्सीमीटर। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन लोगों को कोरोना के हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं वो घर पर ही रहते हुए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ऑक्सीमीटर नाम के इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर की मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि कब किस मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। इससे अस्पतालों में भी ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ेगी, साथ ही जिससे जरूरतमंद का सही समय पर इलाज भी हो सकेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ऑक्सीमीटर क्या चीज है और ये कैसे काम करता है। ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल से खून में ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, यानी इससे ये पता चलता है कि ब्लड सर्कुलेशन में RBC कितना ऑक्सीजन इधर से उधर ले जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि खून में ऑक्सीजन के बहाव से भी शरीर के सारे ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। जिंदा रहने के लिए ब्लड में सही मात्रा में ऑक्सीजन होना जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर लंग्स पर पड़ता है। इसमें होता यह है कि जिन लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण दिख रहे होते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और हालात एकदम से बिगड़ जाते हैं। ऐसे में हल्के संक्रमण वाले लोगों को होम आइसोलेशन के समय खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बार बार चेक करते रहना चाहिए। ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल से आपको पता चल जाएगा कि कब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। इससे आपको समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। डॉक्टर खासतौर पर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन वाले लोगों को ऑक्सीमीटर साथ रखने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अस्थमा, हार्ट डिजीज और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीजों में खून में ऑक्सीजन की जांच नियमित तौर पर जरूरी है। ऑक्सीमीटर को पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफी छोटी सी डिवाइस होती है जिसको आप इजिली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। देखने में ये कपड़ों पर लगने वाली क्लिप की तरह होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे करें, तो हम आपको बताते हैं। ऑक्सीमीटर सबसे पहले आपको ऑन करना है। इसके बाद आपको इसे अपने हाथ की उंगली में फंसाना होता है। ऐसा करते ही आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑक्सीजन का लेवल दिखने लगेगा। इसके साथ ही आपको पल्स का स्टेटस भी नजर आएगा। कोरोना पेशेंट्स को कुछ कुछ घंटों के गैप पर इसके इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, जिससे कि उन्हें पता रहता है कि लंग्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। आपको बता दें कि ऑक्सीमीटर में 2% रीडिंग्स घट या बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर दिख रही रीडिंग ब्लड ऑक्सीजन लेवल से 2 पॉइंट कम या ज्यादा हो सकती है। हालांकि कम एक्यूरेसी के बाद भी तेजी से इसके रिजल्ट आने की वजह से फिलहाल कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन के दौरान ऑक्सीमीटर से रिकॉर्ड रखने की एडवाइस दी जा रही है। पल्स ऑक्सीमीटर को वैसे तो इस्तेमाल करना एकदम आसान है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपके नाखूनों पर डार्क शेड की नेल पेंट लगी हो तो रीडिंग गलत आने के चांसेस हैं। इसलिए जरूरी है कि नेल पॉलिश हटाकर ये डिवाइस आप अपनी उंगली पर लगाएं। इसके अलावा ठंडे टेम्परेचर होने पर भी ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है, इसलिए ध्यान रखिए कि आपके हाथ ज्यादा ठंडे ना हों। ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल से पहले ये जानना जरूरी है कि खून में ऑक्सीजन का सही लेवल कितना होना चाहिए। अगर आप ठीक हैं तो आपके लंग्स में ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल 95 से 100% के बीच होता है, लेकिन अगर ये नंबर 95% से कम हो जाए तो समझ जाइए कि लंग्स में प्रॉब्लम है। वहीं ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे गिरने लगे या फिर 93 या इससे नीचे हो जाए तो मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में 8% नसों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। ये डिवाइस आपको किसी भी बड़ी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। अगर ये आपको शॉप पर नहीं मिल रहा तो इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।